फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और नया तरह का डिजाइनर सिंगल बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने एक वेस्ट धागा लिया हुआ है और जिससे हमें बॉर्डर बनाना है वाला धागा लिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम वेस्ट धागे को लगाएंगे और ये जो बॉर्डर वाली वूल है नॉर्मल वूल है, तो मैंने कैरिस का जो नंबर है वो 6 पे सेट किया हुआ है। इसको हम चलाएंगे और अपना हुक लगा देंगे। वेट लगाएंगे, अपने वेस्ट वाले धागे को हम निकाल देंगे और इस धागे को जो है हम थोड़ा सा लंबा करके काट देंगे, इसको हटा देंगे। अब जो पीछे वाली निडल हैं उनको आगे कर लूँगी, आगे वाली निडल को भी आगे की साइड इस तरह से कर दूँगी क्योंकि मुझे हाथ से इसको बिनना है। अब धागा लेंगे, धागे को थोड़ा सा बड़ा करके हम इस तरह से बिनेंगे। इसको ज़्यादा टाइट करके नहीं बिनना है, इस तरह से लास्ट तक हम बिनते चले जाएंगे। जैसे पहले भी मैंने सिंगल बॉर्डर में बताया किस तरह से इसको हम बिनेंगे, इसको हम इस तरह से इसलिए बिनते हैं कि हमारे जो नीचे वाले फंदे हैं वो ना खुलें। इस तरह से हमने इसको बिन लिया है। पहले हम क्या करते थे, कैरिस हमारा धागा इस साइड है तो हम कैरिस को हम इस साइड लाते थे और फिर एक बार कैरिस को चलाते थे। लेकिन कुछ व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि मैम धागा फंस रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार और हाथ से इसको हम एक बार हाथ से इस तरह से बिनेंगे, इस पर रखेंगे और इस तरह से ये जो है यहाँ पर रखना है धागा, और इस तरह से देखिए यहाँ पर धागा रखना है और बिनते चले जाएंगे। इस तरह से लास्ट तक बिन लेंगे, यहाँ पे बीच में धागा रखना है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। इस तरह से यहाँ बीच में धागा रखेंगे और इसको हम बिनेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये ढीलापन आ जाएगा धागे का, इसको फिर लगाएंगे और एक सलाई जो है वो हम लगा देते हैं ऐसे ही प्लेन। अब ये देखिए इस तरह से लगा लिए। अब हम इस तरह का ट्रांसफ़र टूल लेंगे, अब एक निडल छोड़ करके धागा लेंगे, निकालेंगे इससे धागा निकालेंगे, ये धागा ये जो फंदे इधर ट्रांसफ़र करेंगे और ये वाले फंदे हम इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर एक निडल छोड़ देंगे, धागा निकालेंगे, इधर से फंदा, इधर से फंदा, इस तरह से हमें करना है। इसी तरह से एक एक निडल छोड़ करके जो है हम फंदे निकालेंगे और इस इधर से उधर ट्रांसफ़र करने हैं। इसी तरह से मैं लास्ट तक जो हूँ इसको कर लूँगी। इसी तरह से हमें बिनना है एक निडल छोड़ करके। इसको हमने इस तरह से बिन लिया। अब सारी निडल हम आगे कर देंगे जिससे कि हमारा धागा ना फंसे। और चार सलाइयाँ हम लगाएंगे। दो, तीन, और ये चार। अब ये देखिए चार सलाइयाँ मेरी लगा ली हैं मैंने यहाँ पर। अब इसी तरह सेम स्टेप आपको रिपीट करना है। जब हमने डिजाइन बनाई थी तब एक सलाई चली थी और उसके बाद हमारी ये चार सलाइयाँ, फिर आपको वही स्टेप रिपीट करना है। यहाँ से मैंने एक निडल छोड़ी थी, यहाँ से फंदा निकालूँगी और इस तरह से ट्रांसफ़र कर लूँगी, फिर एक निडल छोड़ूँगी जैसे नीचे किया था
कि एक निडल छोड़ के फंदे इधर से उधर ट्रांसफ़र किए थे, ऐसे ही मैं जो हूँ एक स्टेप बना लिया है, तो चार स्टेप और कर लूँगी तो मेरी टोटल जो हैं सिलाइयाँ जो हैं इसी तरह से करना है आपको। यहाँ पे मैंने एक स्टेप बना लिया, टोटल मुझे जो है चार स्टेप बनाने थे, एक स्टेप बना चुकी हूँ, तीन स्टेप इसी तरह से बना लूँगी तो मेरी जो है 20 सलाइयों का ये बॉर्डर बन के तैयार हो जाएगा। और आपको और चौड़ा बॉर्डर बनाना है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। ये सेम स्टेप करके मैं तीन स्टेप और बना ले रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। अब नीचे की तरह मैंने जैसे स्टेप किया था वैसे तीन स्टेप और कर दिए हैं। फिर हम आपको क्या करना है, इस तरह का टूल लेना है और एक ये वाला टूल। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक निडल छोड़ करके इन दो फंदों के बीच में डिजाइन बनाई थी, फिर एक निडल छोड़ी थी। तो हम जो जहाँ पे हमने डिजाइन बनाई है वो वाली निडल को हम उस से फंदा नहीं निकालेंगे, साइड से भी नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ से फंदे फिर खुल जाएंगे। और फिर हम यहाँ से जो हमने निडल छोड़ी थी उस वाली निडल को हम इस तरह से निकालेंगे और सारे फंदे खोलेंगे। तरह से हम नीचे तक जो हैं फंदे खोल देंगे। ये देखिए यहाँ से हमारे फंदे खुल गए हैं। अब हम इसे सबसे नीचे वाला जो फंदा है उसमें इस तरह से लेंगे वाला टूल और यूँ तिरछा करके डालेंगे, इस तरह से उल्टा करके। ये लिया, इस तरह से घुमाया और फिर हम इसको हम जैसे हम और सिंगल बॉर्डर बनाए थे बिनते चले जाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें बिनते चले जाना है। इस तरह से हम ऊपर तक जो है इसको बिनेंगे, इसी तरह से जो फंदा लेना है इस तरह से बिनना है। और ये पीछे वाली निडल जिससे फंदा निकाला था उसमें हम डाल देंगे। फिर आपको यही करना है, दो इसमें हमने डिजाइन बनाई थी और जो निडल हमने छोड़ी है उस निडल को हम से हम फंदा खोल लेंगे और इसी तरह से जो है बिनते चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया है, बाकी मैं कर लेती हूँ। यही दो निडल छोड़ करके जो हमने निडल छोड़ी थी वो फंदे खोलेंगे और बिनते चलेंगे, लास्ट में एक बार आपको फिर से बता दूंगी। अब ये देखिए यहाँ तक मैंने बिन लिया है, अब एक बार और बता दे रही हूँ। यहाँ बिना है मैंने, फिर दो निडल छोड़ी हैं और एक निडल छोड़ करके फंदे सारे खोलेंगे और फिर इसको हम बिनेंगे। अब ये यहाँ से नीचे वाले फंदे से हमें इस तरह से डालना है और इसको इस तरह से घुमा के फिर हम बिनते चले जाएंगे। इस तरह से इस तरह से ये हमारा बॉर्डर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, प्लेन सिलाइयाँ थोड़ी ऊपर चलाकर फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये आपका बॉर्डर जो है वो बनकर आएगा। अब हमारा स्वेटर जो है अपनी वूल के हिसाब से मैं सेट करूँगी 8 नंबर पर, इसको मैंने इसको सेट कर दिया है। अब प्लेन सिलाइयाँ चला ले रही हूँ 8-10, उसके बाद दिखाती हूँ बॉर्डर किस तरह से आपका बनेगा। प्लेन सिलाइयाँ चला दी हैं, अब देखते हैं किस तरह से ये आपका बॉर्डर बनकर आया है। यहाँ से जो है हम
धागे को खींच के निकाल देंगे। ये हमारा वेस्ट वाला धागा है और ये देखिए इस तरह से ये आपका सिंगल बॉर्डर जो है डिजाइनर सिंगल बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है।